Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Pure Saxena Allrounder. कैसे आप सब? अच्छे ही होंगे और मैं भी अच्छी हूँ. भोले बाबा कृपा है आपके ऊपर भी है हमारे ऊपर भी है. और पनीर भगवान भोले बाबा सबकी मनोकामना पूरा करे और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए. आप लोग ये सावन और भोले बाबा का दिन बहुत अच्छे से पर्व को मना रहे होंगे आशा है मेरी, मतलब करते होंगे. मैं भी कर रही हूँ. कल पहला सावन सोमवार था, मैंने भी पूजा पाठ करी थी भोले बाबा की. बाकी तो सावन तो शुरू हो गया, तब भी मैं गई थी भोले बाबा दर्शन कर आई थी. मंदिर तो नहीं गई थी, घर में ही पूजा करी थी. पर आज आयुष की थोड़ी सी तबीयत तो बुझी लग रही है. नीली क्या दो तीन दिन हो गया, अभी दवा तो डाली है लेकिन फिर भी देखिए आँखें ये वाली कितनी सूजी, ये वाली आँख कितनी सूखी है. सूजी भी है और रेड भी है. दवा भी डाली है आज, दवा मंगाई है आज. मैंने कहा दवा ले कर लिक्विड वाली, वो गंदा होता है आँख ही आ जाती है जैसे ट्यूब टाइप का होता है, वो डाला. उसके बाद भी सही नहीं हो रहा, उसको दर्द भी हो रहा है और आँखें भी एकदम रेड हो गई है. और थोड़ा सा खोल आँखें लेके खुल रही है, एकदम रेड सी हो गई है. अब पीयूष ठीक हुआ तो आयुष थोड़ा बड़ा हो रहा है. देखिए पीयूष तुमने हाय नहीं बोला किसी से. हाय. अब पीयूष ठीक हो गए? मंदिर गए थे बाबा जी के मंदिर तो वहाँ ठीक हो गए, भोले बाबा के मंदिर जाते. और भैया नहीं ठीक हुए. अब भैया तबीयत खराब हो गई, क्या कर सकते हैं. ये मौसम ही ऐसा है, इतना मतलब ऐसा मौसम है कि इतनी बारिश नहीं हो रही गई तो बहुत दिक्कत है. और इतनी गर्मी, इतनी उमस की रात रात नींद नहीं आती. और कूलर वूलर तो सब फेल है, ऐसा लगता है कूलर चलता भी है तो ऐसा चिपचिप चिपचिप सा हो रहा है. और अभी तक पानी नहीं गिर रहा बिल्कुल भी, और कहीं गिर रहा होगा यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं गिर रहा. थोड़ा गिरा भी एक दिन, वो भी उमस हो गई. दो दिन सही था, एक दिन गिरा तो फिर वैसे ही हो गया. क्या करता था उसकी आँखें बहुत लाल है, आयुष की आँखें और उसके हाथ का भी दर्द हो रहा है. अभी एक तो चाय पी रही थी. हम भी आप लोग देखते तो वो स्किप कर करके देखते हो. आप पहला जो मेरा जन्म टाइटल आता है उसको पढ़ लिया करो, अगर आपकी मतलब का हुआ करे तो आप देखा करो, नहीं तो उस वीडियो को काट काट के मत देखा करो. देखा करो तो पूरा देखा करो. या तो आप बताओ कि आपके लिए कैसे वीडियो लाए, आप कैसा पसंद करते हो. या तो आप भी आप कमेंट भी नहीं करते, बताते भी नहीं हो ना. तो आप बताओ तो आपके हिसाब से, अगर आपको आपकी मतलब का वीडियो लगता है तो पूरा देखा करो, स्किप मत किया करो. प्लीज़ आपसे दिल से रिक्वेस्ट है, स्किप मत किया करो, स्किप करके देखते हो. और जो मुझे एक तो जलन की भावना से भी देखते होंगे ना, तो उनसे भी यही है देखने की जलन से देखते हो लेकिन स्किप मत करो, पूरा पूरा देखा करो. जब देखने आए हो तो 10-5 मिनट दे लो मेरे वीडियो पे, देख लो. कोई दिक्कत नहीं मुझे किसी से, जो मेरे मुझे प्यार करते हो उनको भी दिल से थैंक यू, और जो मुझे नफरत करते हैं उनको भी बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू थैंक यू. आप ऐसे ही नफरत करते रहिए, हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे. बाकी आपकी नफरत से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला. आप पूरी दुनिया में जाके मेरे लिए क्या कह रहे हो, क्या कर रहे हो, मुझसे मतलब नहीं है. नहीं इतना याद रखना, बस सीमा के अंदर ही रहना. सीमा के बाहर गए तो फिर मुझसे, फिर मैं भी अपना बांध तोड़ूँगी. और मैं जो करूँगी मैं बताने वाले तो हूँ नहीं. मैं तो बिल्कुल फ्लैट दुनिया सामने कर देती हूँ. ये इधर उधर नहीं कि इधर से उठाई उधर जाके कह दी, इधर से उठाई इधर जाके कह दी, पूरा घर ऐसे फोड़ फाड़ डाला. मतलब उससे ये सब नहीं होता है. इनके मुँह के उनकी इनकी मुँह पे बाद में हम भाई सामना नहीं कर पाएंगे. सामना करने पर फिर यूँ यूँ होती है ना, तो हम वाले तो है नहीं. थोड़ा सा सोच समझ के करो क्योंकि सामने वाला कमज़ोर नहीं होता है. 10 बार बोल चुके हैं अपनी किस चीज़ पे गुंडई है, कुछ भी क्या समझते हो क्या नहीं मुझे नहीं पता ना, मुझे समझना है क्योंकि मैं तुमको कुछ समझते ही नहीं हूँ. क्या भाई क्या हो, कौन हो, क्या हो, क्योंकि नाखून होता ना पहले वैसे तो बोलते. मैं तो अपने आप को किसी से कम नहीं समझती हूँ, और जो मैं
जो दिमाग लगा रहा है उसको अपने नाखून के बराबर भी नहीं समझते। हम इस चीज़ से बात नहीं करते हैं। यहाँ से बादशाह इंसान है, बादशाह क्या क्यूइन क्यूइन बादशाह तो बादशाह क्यूइन हूँ मैं मानती हूँ। हर इंसान अपने आप में बोलना चाहिए और मैं हूँ और किसकी दम हो सामने से आके बोले इधर उधर से बोलने से क्या जब यार मेरे लिए तुम हम तुम्हारे लिए मरे हम तुम मेरे लिए मरे हो मेरे लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं रखती एक इम्पोर्टेंस नहीं रखती तो काय के लिए इधर उधर फालतू के लिए ड्रामा खेल ले। अगर अपनी औकात सुननी है औकात भूल गए हो या भूल गए हो पता नहीं मैं अगर गाइड आप लोग ना वो करना लेकिन किसी कुछ लोग हैं ना जो कुछ लोग मुझे बोलते हैं सुधरे कि नहीं और कुछ लोगों ने मुझे बोला बहुत गड़बड़ बोला है समय है कोई बात नहीं रखा है। यहाँ पे जहर नहीं उबल रहा है व्हाट्सएप पर जहर उबल रहा है तो जहर उबलने वाले हैं मेरे पास क्योंकि मुझे बिल्कुल ही बस में आया तो ऐसे ही उड़ा के फेंकते हैं। अभी उनको नहीं समझ उनकी जो थी ना आज जो है जो भी है तो मानो ना मानो ठीक है समझदार के लिए ज़्यादा ही काफ़ी है और मेरे दिन पढ़ भी जाएगा तो मैं नाम भी ले लूँगी मुझे कोई दिक्कत नहीं है मैं नाम ले लूँगी इसलिए बोल रही हूँ थोड़ा सा जब मैं ना किसी का मतलब रखती हूँ ना किसी से कोई मतलब है ना मतलब ना भाई मैंने बोला ना ना मैं किसी से मतलब रखती हूँ ना किसी से कोई मैं घर से अपने काम में रखती हूँ तो मैं वही चाहूँगी मेरे बारे में कहीं सुनने में पाया फिर मैं बोल रही हूँ बार बार माफ कर रही हूँ बार बार बस सबर कर माफ मैं क्या करूँगी यार थोड़ा भगवान से डरो वो माफ कर देगा ना बहुत अच्छी बात है सुधर जाओ सुधर जाओ सुधर हिंदी शब्द है सुधर जाओ अपने काम पर ध्यान करो अपना जो घर परिवार है उसको देखो ठीक है बस यही कहना निबल निबल कर रहे हो ना इधर उधर जाते हो दिमाग ना लगो हम अकेले ही बहुत है बस क्योंकि सुनने में आता है ना बाकी तो हम पता है सुने सुनाए बात पे विश्वास नहीं करते नियाज से देखते हैं काम सुनते हैं क्योंकि लेकिन तुम जैसा लोगों के लिए विश्वास करना पड़ता है क्योंकि तुम जैसा लोग सामने से भी कर करो तुम जैसा लोग पीछे ही बोल पाते हो औकात तो है नहीं उनको बोलने औकात जब सामने वाला मुँह पे बोलता है तो ही उछलने लगती हूँ उछलने लगते हो शांत बैठो ये तो औकात याद दिला देंगे फिर मैंग करते फिर होगी फिर कहो बहुत बड़े पंचायती हो तुम पंचायत करती हो ये हो मतलब तुम करो तो ठीक हम करें तो गलत सुधर जाओ भाई थोड़ा ध्यान दो अच्छी बातों पे ध्यान दो ठीक है फिर नाम नहीं लेते हम तुम लोग का नाम ही नहीं लेंगे नाम नहीं लेने वाले तुम लोग की ही हिसाब से ही तुमने जो कहा वही किया नाम भी नहीं लेने वाले अभी क्या चाहते हो कि दुनिया से चले जाएं तुम लोग का यही मकसद है ना दुनिया से चले जाए क्यों नहीं बजा भाई तुम्हारी जिंदगी है बार बार मेरे ऊपर चढ़ जाती हो अपने कर्म पे नहीं देखते तुम लोग आप कभी अपने आप में भी झांक के लो कर्म तुम लोगों को क्या है अपने आप में देखा है हमें पता है हम अपने आप बोल देंगे सामने से बोलेंगे हाँ हमारी भी जहाँ मेरे साथ गलत हुआ मेरे वजह से भी हुआ हम अपने आप के लिए बोलने से अच्छा मैं बोल भी देंगे सारी दुनिया का अभी अपने आप में जाग के देखा है नहीं देखा होगा देखो समझ में आ जाए तभी अपने आप में ही आगे जा कर सॉरी बोल के अपने आप में आगे बढ़ो तो समझ में आ जाएगा दुनिया को समझाने के चक्कर में ना रहो ये बहुत सारी चीज़ें हैं नाम नहीं ले रहे शुक्र मनाओ अगर हम यहाँ पे तो यहीं पे हम ही ने बैठाला है ये मत बोलना यहाँ पे जो बैठाला है यही हम ही ने बैठाला चट्टे से यहाँ गिरा देगा क्यों अब तो मेरा कोई है नहीं कि हम इससे डरे जो मेरा था वो दोगले निकल गए दोगले निकल गए
खींचते होते हैं दोगले। चलो मूड नहीं खराब करेंगे, क्योंकि कुछ बातें सुनो ना तो मूड खराब होता है, क्योंकि ऐसे लोग टुच्चे लोग अपनी हरकत नहीं सुखने वाले, उच्चापन करते ही रहेंगे, क्योंकि उनमें उनका पेट में जो खाना है ना खोलता रहता है, इधर उधर इधर उधर चुचवाने की आदत है, तो चुचवाते रहेंगे इधर उधर, खोलने वाली बातें खोलते रहेंगे, उनको फर्क थोड़ी पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो अपने परिवार में परिवार ही तोड़ा है, तो उनको परिवार तोड़ने की वो हॉबी से परिवार ही तोड़ रही है भाई, तोड़ना तो सीखा नहीं, तोड़ना सीखा तोड़ते ही रहेंगे, तो तोड़ देना, हमारा काम तोड़ना, हमारा काम जो है हम करते रहेंगे, हमारी चिंता करना रहो, हमारा नाम ना रहो, बस पैदल रहो, क्योंकि तुम कहाँ से कौन सी पली हो, मुझे पले हो या पले, तो हाथ जोड़ के विनती है दूर रहिए मुझसे, मुझसे नफरत है, मुझसे मतलब मैं खराब हूँ, और जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज़्यादा खराब, तो प्लीज़ मुझसे थोड़ा हटके चलो, परेशान ना हो मेरे चक्कर में, ठीक है, तुम्हारी बातें करके ना मुझे अपना दिन और अपना ब्लॉग नहीं खराब करना, तो ओके ध्यान रखना, अब सुनने में ना है, मैं तो नाम ले लूँगी और सब कुछ ले लूँगी और सब कुछ बता दूँगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना भाई, तुम्हें भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी तो इज्जत ही नहीं, इज्जत और बेइज्जती का मतलब ही क्या होता है, तो मुझे तो फर्क फिर मैं भूल जाऊँगी कि फर्क अलग क्या है, जब मेरे ऊपर उंगली उठेगी अपने ऊपर तो फर्क वर्क भूल जाएगी, बहुत तुमने कर लिया नौटंकी, तो नौटंकी हम दिखा देंगे तुमको, बस यही से अब हम सुन ना ले अपने बारे में, तुमको 10 बार समझा सकते हैं, तो वहीं पर फिर समझ लेना कि बहुत ख़राब हो जाएगा, हम कह भी दे रहे हैं, बता भी दे रहे हैं, मेरे ऊपर कुछ बात हुई है, मेरे साथ है, मेरे साथ कुछ भी होता है, मुझे मालूम है 2-4 लोग जो भी हैं, 5-6 लोग ज़्यादा नाम भी दे लूँगी, जो भी है मेरे साथ कुछ होता है, उसके जिम्मे तुम ही लोग को कहेंगे, क्योंकि तुम लोग ने मेरे 2-3 साल में ऐसी ज़िंदगी हराम कर दी है, साला मेरे ऊपर ही मतलब जो इंसान ने लाग रख दिया मेरे ऊपर ही पूरा, जब देखो आप ठाके नहीं मतलब रखे तो नाम ऐसे नहीं तो ऐसे नाम, सारे दोनों पीछे पड़ गए तुम लोग, पागल पागल समझ रहे हो, इतना तो मतलब जानना भी नहीं होगा, होता है मैं पक्का बता रही हूँ, मैं नाम भी ले लूँगी और बता दूँगी कि तुम ही लोग की वजह से हुआ है, मैं धमकी वमकी नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे याद रखना इस चीज़ के लिए, और तुमने बोला भी था इस चीज़ के लिए, बस याद रख, तेरा हमने बनाया नहीं कोई चीज़, तूने बोला भी था गोली मार देंगे ना, अब जब बोल दिया नाम ले लिया उस दिन समझ में आ जाएगा, तुमने बोला था गोली मार सब तू ही मारेगी, सामने वाला तो पागल है ना, हाथ मार गोली मार गोली मार दुनिया भर का बम मार, तू और तेरा क्या बोले यार, मारेगी तो मार मारोगे है ना, तो बस खत्म करता है, चलो छोड़ो मैंने बात करी, आप लोग का मूड नहीं खराब करना, बाकी जिनके लिए वो देखते हैं वो समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, बस बोल रहे मेरे घर फैमिली में ना घुसो कुछ लोग दिमाग खराब करते हैं, बस बहुत ज़्यादा क्या कहना पड़ता है, मूड खराब होती है और कहना भी चाहिए, अपने लिए एक्शन उठाएंगे ना तो ऐसे लोग ना अपने आप को बहुत बड़े क्या समझने लगते हैं, क्या समझने लगते हैं कुछ नहीं मालूम, जाप दे हो जाए ऐसा लगा इतना तो नाक के अंदर जाय नहीं होगा मेरे लिए, अरे तू मर जा बार बार हमको यही बोला गया, अब तुम भगवान थोड़ी ना तुम्हारे कहने से हम मर जाएंगे या तुम मार दो, कोई बड़े वो थोड़ी ना, बहुत बोला बहुत ज़्यादा बाद में कहा अरे ये हमारे ऊपर ब्लेम लगा दिए हमारे, अरे कर्म में जाग के देखो क्यों कहा, उसको होगा ना तुम्हारे बाद में लगा दो कि सामने वाला वहाँ रखे था तो उनका ये है उनका वो है ड्रामा खेल, अब हम तो कहते हैं
ये करा वो करा, हाँ तो किया, ये क्वालिटी है तो करा, हाँ जो बैठे हुए हैं बार बार कह रहे हैं। हम जिस रास्ते पे गुजरे हैं ना, वहाँ से तुम गुजरे होते होते हैं, मतलब होते ही होते जो भी है गुजर चुके होते हैं। इसलिए पतले में ना पड़ो, हमारे बहुत तोड़वा दिया है, बहुत तोड़ दिया तो अपना बना के रखो, जैसे बन चल जाए नहीं तो गलत हो जाएगा। तो तुम लोग ने बहुत मेरे साथ समाज में टोटो करके, ये बहने लगते ना तो मैं ड्रामा नहीं करते, हम ड्रामा नहीं कर पाते, फिर जाके बीपी लो हो जाता है। बीपी लो नहीं होता, करते हैं तो खुल के करते हैं, स्माइली रहती है तो ड्रामा बाज नहीं करते। बस कायदे में रहो तो फायदे में रहोगे। इशारा किसकी तरह को भी, हम बहुत दिन से तुम्हारे बारे में कभी बोला नहीं, लेकिन हमारे बारे में हम सुनते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और ये ना सोचना ये पीठ पीछे है, ये सामने ही है, और एक के सामने नहीं है पूरी दुनिया के सामने है। अभी तो नाम नहीं तो कोई समझ ही नहीं पा रहा कौन क्या है, तो कितने नाम ले लिया, हिस्ट्री खोल देंगे तुम्हारी, समझे समझे ना समझे जो भी है। किसकी बिटिया है मालूम है ना, अजय जसवाल की, जो है नहीं दुनिया में। ये अम्मा बिटिया खटकती ना, अम्मा बिटिया के बल पे बैठी हूँ यहाँ पे, कपार से कपार से उतार के कत्ते से कर देंगे। चलो गए, आप लोग को भी कह रहे थे जिनके लिए कहा वो समझ ही गए होंगे, तो चलो माफी वाफी नहीं मांगने वाले इन लोगों से। बार बार यार बिल्कुल ही दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। कुछ लोग होते ना नहीं सुनने वाले, वो अपना तो खाना पीना खा भी रहे, वो सब कुछ उनसे ना मतलब ना एक चीज ना कुछ, उसके बाद भी घुसी रहेंगे घुसे रहेंगे जबरदस्ती अपनी जिंदगी से। तो वो है अब दूसरे की जिंदगी में भी उनको पसंद नहीं है कि वो लकड़ी लगाने की, क्योंकि याद था क्या कहें, तो उनकी जैसे तो हम है नहीं, हमने बोल दिया बस यार। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे कल, फालतू की बातें हो गई, आपका समय बर्बाद नहीं करना था। आपको क्या बोलो, लाइक करो सब्सक्राइब करो, ये क्या बोलो मैं बोल भी नहीं सकती, क्योंकि वीडियो आज बस कुछ लोगों के लिए है, और मौका पड़ेगा मैं नाम भी ले लूँगी, नाम भी बताऊँगी। अगर ऐसा कुछ होता है इस वीडियो के बाद मेरे साथ कुछ गड़बड़ हुआ या करता है तो मैं नाम भी लूँगी, बस ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं कल आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, बाय फैमिली, लव यू फैमिली, नफरत वालों से नहीं साले।